जो प्रोग्राम आयोजित किया है उस बारे में बताइए। एक्चुअली में आज एक तारीख है, यहाँ मेरे बहुत कट्टर समर्थक जो बच्चे हैं, ये आज मेरा एक तारीख का मतलब जन्मदिन है। ये हर साल मनाते हैं बच्चे, लेकिन आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे ऊपर जो आफत आई थी, देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर कोरोना महामारी थी, तो हमने दो साल से इस चीज़ को नहीं मनाया, लेकिन कार्यकर्ते चाहने वाले बहुत मेरे को बोलने लगे, नहीं इस बार हमको करना है, हम आपका जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है भाई, जन्मदिन आपको नहीं मनाएंगे, लेकिन एक तारीख को भाई अपना ऐसा काम करेंगे जो सामाजिक काम हो और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को अपने से मदद हो सके। इन्होंने बोले कि ठीक है भाई, अभी सर्दी का मौसम है भैया, हमने जो है पूरे वार्ड में सर्वे किया और तकरीबन जो जरूरतमंद है, जो लोग हैं सर्वे करके, जो अभी सर्दी का मौसम है, जैसे भाई जिसकी उम्र 35 साल की है, 60 साल की है, भाई से जरूरतमंद पूरे वार्ड से तकरीबन हरदूर इलाके से 500 तकरीबन महिला और जेंट्स को निकाला गया जो जरूरतमंद है, और आज इनको ब्लैंकेट वाटअप की गई, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा हमारे तरफ से दिया गया। और शाम में भी अभी हम जो है यहाँ पे और कुछ चीज़ें बांटने वाले हैं, जो सैदा कॉलोनी है इधर ब्लैंकेट बांटने वाले हैं, इधर से कार्यकर्ताओं ने भी लिस्ट ला के दी है, शाम में इंशाल्लाह हम ये बांटने वाले हैं। इस तरीके से हमने काम चल रहा है। आगे भी आप कुछ गरीब करते हैं, कुछ कार्य करने वाले उस बारे में बताइए। देखिए, महाराष्ट्र शासन में हमारी जो सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना, तो हमारे जो लड़के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे साहब, अभी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, सरकार भाई लोगों की हिफाजत के लिए, इनकी जान की सुरक्षा के लिए, कोरोना महामारी बीमारी का जो लॉकडाउन का चल रहा है, अभी तक कहीं नहीं हुआ है, इधर सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है, हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और हमारे कांग्रेस, जितने हमारे कार्यकर्ते नेतागण हैं, हम पूरी लोगों को जितनी मदद हो सके, मदद हमारे हो सके, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अभी कुछ आप बता रहे थे कि जैसे आप यहाँ पे शादियों की भी बिकने करते हैं। अच्छा, शादियों का ऐसा हिस्सा में शादियों का हमको पूरे औरंगाबाद शहर से डिमांड आ रही है, जो भाई कोरोना महामारी में लोगों ने जो अपने पास पूंजी जमा की थी, भाई किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, आज इन्होंने तकरीबन 1 साल 10 महीने हो चुके हैं, अपने पास जो पैसा था इन्होंने खर्च कर दिया है, काम धंधे नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो हम पूरे शहर की शादियां तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि परमिशन है जो भाई कोरोना महामारी में लोगों ने जो अपने पास पूंजी जमा की थी, भाई किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, आज इन्होंने तकरीबन 1 साल 10 महीने हो चुके हैं, अपने पास जो पैसा था इन्होंने खर्च कर दिया है, काम धंधे नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो हम पूरे शहर की शादियां तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि परमिशन का मसला है। तो हमने जो कार्यकर्ते हैं, जो हमने यहाँ के नेतागण हमारे, हम ऐसा तय कर रहे हैं कि आने वाले दो या तीन महीने के अंदर इस इलाके में 4 से 5 वार्ड थे, या हम जो जरूरतमंद लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, जो लड़कियाँ की शादी होती है, आज इनके पास पैसा नहीं है, इनके पैगाम मतलब पैगाम तय हो चुके हैं, पर भाई चाय पानी भी अगर शादी करना है तो ये 2,000 या 500 रुपये भी खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम सर्वे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 21 या 11 शादियों को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बताइए 501 ब्लैंकेट और 1,000 बिस्किट तकसीम किए गए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कड़ाके की सर्दी में ब्लैंकेट एक बहुत अच्छा तोहफा है लोगों के लिए। ये पहला मौका नहीं है कि हमने यहाँ पर ब्लैंकेट तकसीम किए हैं, इसके पहले भी हमने हमारे ससुरों के हाथ से ब्लैंकेट तकसीम का प्रोग्राम यहाँ पर रखे थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। मेरे ससुर हाजी मरहूम सिकंदर पटेल साहब और यासीन पटेल साहब, ये गरीबों के लिए हमेशा मदद करते थे, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ थी वो पटेल में भी आई है। वो हमेशा ज़रूरतमंदों की और वार्ड के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। लॉकडाउन में किट तकसीम करना हो, या फिर इलेक्शन कार्ड बनाना हो, या पानी तकसीम करना हो, या फिर कोई कैंप लगाना हो, मेडिकल चेकअप कैंप, या खबरस्तान का कोई मैटर हो, फिलहाल में जो है वो हर काम करने के लिए
हमेशा कोशिश करते रहते हैं। 100% तो कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वो कोशिश अपने तरफ से ये करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। तो उनकी सालगिरह के मौके पर बस मैं उनके लिए यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनको हमेशा दायम कायम सलामत और सेहतमंद रखे और नज़र बस से बचाए। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द हाजिर बना दे और जमात में जाने के लिए राहें हमवार कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो हम इसी तरह से आगे भी ऐसे प्रोग्राम लेने की कोशिश करते रहेंगे। एक शेर कहना चाहूँगी मैं पटेल साहब के लिए, अगर देखना चाहते हैं पटेल के उड़ने का अंदाज, अगर देखना चाहते हैं पटेल के उड़ने का अंदाज तो आसमां से कहीं तो थोड़ा और बचाओ। Right now and press the bell icon.